बाइक की रेटिंग देखिए, ये टोटल 23 का स्प्रिंग है, ये आपको इसको पीछे फोल्ड भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाइक कम्प्लेक्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये 125 है, CG 125 2018 मॉडल है। तो इसका जो किक का स्प्रिंग टूट गया है, तो अभी देखें, किक इसके ऊपर नहीं होती, जो किक लगाते हैं तो उसके बाद नीचे रह जाती, ऊपर नहीं आती। तो अभी पहले आपको स्टार्ट करके इसकी किक बताते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाने का तरीका बताते हैं। दो तीन तरीके हैं लगाने के, तो तीन तरीके आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आप देखें बाइक को स्टार्ट करके आपको बताते हैं। अभी ये देखें, बाइक स्टार्ट किया है, किक देखिए ऊपर नहीं आ रही है, इसकी किक ऊपर नहीं आ रही। तो इसका ये मसला होता है, अगर किक का स्प्रिंग डालना है तो उसके लिए फिर तो टोटल इंजन खोलना पड़ता है, यहाँ से लेकर तमाम इंजन खोलना पड़ता है। पहले आपको बाइक की रीडिंग चेक करवाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कितना चला हुआ है उसका। अच्छा, बाइक की रीडिंग देखिए, ये टोटल 23,000 किलोमीटर चला हुआ है, जेनुइन है। कस्टमर का कहना है इसका इंजन नहीं खोलना, बाहर से कोई काम इस तरह करके दें कि केक का स्प्रिंग भी लग जाए तो काम भी मारा हो जाए, तो इंजन नहीं खोलना इसका। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो जेनुइन बाइक होते हैं, जब खोल जाए उसके अलावा लीकेज इनकी रुकती नहीं है, फिर कभी यहाँ से लीकेज करता है, कभी यहाँ से लीकेज करता है। तो पीछे एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसका जो केम गरारी ख़राब हो गई थी, तो आपने वीडियो देखी होगी, उसमें जाके आप वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने जैन वगैरह डाले थे, आपने देखा, उस तरीके से अगर कोई काम करे तो हो सकता है, परफेक्ट तरीके से काम करे तो हो सकता है, मगर अभी कस्टमर का कहना है कि इसका इंजन नहीं खोलना, आपने बाहर से काम करना है। तो अभी इसका बाहर से स्प्रिंग डालते हैं, इसको केक को पहले खोलते हैं बाहर निकाल के, तो फिर आपको स्प्रिंग लगाने का तरीका बताते हैं। दो तीन तरीके हैं स्प्रिंग लगाने के, अगर आपके पास अगर स्प्रिंग बताते हैं, अगर ये अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो दूसरा स्प्रिंग आपको बताते हैं, वो हर मैकेनिक के पास अवेलेबल होते हैं। तो चलो उसको पहले केक खोलते हैं और स्प्रिंग डालने का तरीका बताते हैं। अभी ये देखें, ये वाला केक का स्प्रिंग है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा भी तरीका आपको बताते हैं। ये देखें, ये वाला स्प्रिंग है, इसको लगाने का क्या तरीका है कि केक आपने खोलनी है, केक खोल के, केक का एक ही बोल्ट होता है 12 नंबर का, वो खोलेंगे तो बाहर आ जाएगी। यहाँ पर इसको ऐसे लगाएंगे तो ये जो सेंटर एक्सल है, ये वाला नट भी खोलेंगे, इसको खोल के, अगर ये वाला है इसमें लग जाता है तो ठीक है, वरना आप इसके ऊपर ऐसे रख के, इसके ऊपर ऐसे रख के इसको पीछे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वाला नट जो केक का है, इसमें लग जाएगा, ये वाला देखें इसमें लग जाएगा। तो अभी लगाते हैं, लगा के फिर आपको स्टार्ट करके भी तरीका बताते हैं और दूसरा तरीका भी फिर बताते हैं, अगर ये वाला स्प्रिंग नहीं है दूसरा तरीका क्या है फिर। अभी ये केक देखें, अभी ये देखें, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास क्लच की तार हो तो ये देखें, इसमें गठान लगा के इसमें लगानी है, टाइट कर देनी है, उसके बाद पीछे से इसका राउंड देना है, राउंड दे के, तो यहाँ पे आपने डबल स्टैंड का या 125 हो या 70 हो या प्राइडर मोटरसाइकिल हो, उसका जो डबल स्टैंड का स्प्रिंग होता है वो थोड़ा ताकत वाला होता है, ये आपने लगा के तो इसको ऐसे खींच के इसके पीछे एक वाशर भी लगानी है। अभी हम जल्दी में वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हमने वाशर नहीं लगाई, पीछे वाशर लगा के तो आपने ये दो, ये जो मक्खी लगी हुई तार कैचर जिसको हम बोलते हैं, आपने दो लगानी है, दो लगा के इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचने हैं आपने। जो ही खींचेंगे, क्योंकि इसमें जो है स्प्रिंग में ताड़ जा, जो इसमें तार है इसमें ताड़ आ जाएगी, स्प्रिंग की जो ताड़ है इसमें आएगी, जब हम केक लगाएंगे नीचे, इस तरह केक लगाएंगे तो केक दोबारा खुद ब खुद जब नीचे जाएगी, उसके अलावा जो स्प्रिंग है खुद उसको ऊपर उठाएगा। एक तरीका ये है, क्योंकि ये ईजी तरीका है, ये सब मैकेनिकों के पास होता है ये वाला। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से जो डबल स्टैंड का स्प्रिंग है ये ले के, प्लास की तार भी एक ले आना, तो ले के तो खुद डाल सकते हैं, इतना इजी है, इतना मुश्किल तरीका नहीं है। अगर ये वाला स्प्रिंग आपको नहीं मिलता, अगर ये मिलता है तो थोड़ा ये बुरा नहीं लगता, ये पीछे सेव होता है, अगर वो मिलता है तो वो भी ठीक है। वो तकरीबन महीना दो महीने के बाद ये तार जो है ना टूट जाती है फिर, क्योंकि पीछे रगड़ खाती है उससे टूट जाती है, तो फिर भी तकरीबन महीना डेढ़ चलती है, ये काफ़ी है। क्योंकि इसके अलावा फिर अगर काम करवाना है तो सही तरीका जो है इंजन खोल के तो काम करना पड़ता है, उससे तकरीबन 10,000 रुपये लगते हैं, 8-10,000 रुपये, क्योंकि जब खोलेंगे तो रिंग, पिस्टन, जैन, ऑयल, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इससे अब आप ये वाला काम करके अपनी केक को ठीक कर सकते हैं।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।